अस्सलाम दोस्तों, चनेटी मुंडे की तरफ से आपका सलाम। चनेटी मुंडा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपना पहला व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगा। मैं अभी चनेट की एक सेंटर वाली पहाड़ी पर खड़ा हूं, जहां पर मज़ार वाकया है। बारे में मैं आपको अपनी किसी वीडियो में बता दरबार वाकया है और मेरे दाएं हाथ पे दरियाए चनाब वाकया है। तो आपको मैं कुछ और चीज़ों के बारे में बताऊं, और चीज़ों के भी बारे में बताऊंगा जिसमें आपको बहुत दिलचस्पी होगी। मेरी आने वाली हर वीडियो में आप उस टावर को देखेंगे और आपको इसके बारे में अपनी अगली वीडियो में बताऊँगा। तो जैसा कि आपको ये आबादी नज़र आ रही है, इसी में फर्नीचर मार्केट, फर्नीचर चनेट का मशहूर फर्नीचर, बादशाही मस्जिद और भी खूबसूरत मकाम वाक़ हैं। दोस्तों, मैं आपके साथ अपना पहला व्लॉग स्टार्ट। मैं आने वाली हर चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा और तफसीलात मैं अपने अगले व्लॉग में शेयर करूंगा। तो मेरे रास्ते में एक ये सदियों पुराना दरबार आया, जिसके साथ पुराने ज़माने में लोग मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। यहाँ पर मिट्टी का बर्तन बनाना ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ जगह पर मिट्टी का बर्तन बनाया करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो सामने औरत बैठी है मिट्टी के बर्तन ले कर ये बेच रही हैं, और सामने उस दुकान में भी मिट्टी के बर्तन बना है। ये देखिए दोस्तों, अब मिट्टी के बर्तन आपको नज़र आ रहे होंगे ज़्यादा सारे पड़े। देखिए दोस्तों, ये छोटा सा चनेट का बर्तन, वाकई चनेट की मशहूर बादशाही मिट्टी है, जो कि लाहौर की बादशाही मस्जिद की तरह नजर आती है। मैं अपने आने वाले व्लॉग में आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। मैं फर्नीचर का काम अक्सर घरों में ही तैयार किया जाता है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक घर में ये फर्नीचर तैयार हो रहा है। तो मैं एक फर्नीचर वर्कशॉप में खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको और चीज़ें एक्सप्लोर, तो मैं अभी चनेट के बाज़ार से गुजर रहा हूँ। चनेट बाज़ार की कुछ झलकियाँ देखी हूँ। मेरे रास्ते में मशहूर तारीखी महल आया है, इसका नाम उमर हयात का महल है। इसके बारे में मैं अलग व्लॉग बनाऊँगा। यहाँ के लोग पान खाने के बहुत शौकीन है, अगर आपको चनेट आने का मौका मिले तो ज़रूर पान खाइए। उमर हयात रोड पर आया हूँ और यहाँ एक अल्लाह बादशाह का फलूदा स्टोर है, और ये यहाँ के चनेट के मशहूर फलूदा स्टोर है। और अब मैं अल्लाह बादशाह का फलूदा शॉप में खड़ा हूँ। आने
वाले भी लोग मैं आपको तफसीली बताऊंगा। रेनु रे दोस्तों लाइब्रेरी पार्क से थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ से फर्नीचर मार्केट शुरू हो गया। आप मेरे पीछे चंद एक फर्नीचर की दुकानें देख सकते हैं, फर्नीचर की खूबसूरती से माला माल है। फर्नीचर की बहुत सारी दुकानें और शोरूम देख सकते हैं। वीडियो में मैं फर्नीचर के बारे में तफसील से भी लोग बुलाऊंगा। फर्नीचर की मजीद खूबसूरती देख सकते हैं। मैं मजदूर तस्वीर चौक जिसे कप्पा चौक भी कहते हैं, वहाँ खड़ा हूँ।